हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, व्हाट्सएप के अंदर जब से स्टेटस का फीचर आया है तब से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जब भी वो कहीं घूमने जाते हैं या कुछ अच्छा काम करते हैं या अपने फैमिली के साथ कुछ अच्छा टाइम बिताते हैं तो वो व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करते हैं। और ये एक ऐसा फीचर है दोस्तों जो हर ज़्यादातर लोग इसे यूज करते हैं। दोस्तों, सभी लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, शायद ही कोई होगा जो व्हाट्सएप यूज नहीं करता होगा। लेकिन दोस्तों, हम जब भी कभी किसी का व्हाट्सएप या स्टेटस देखते हैं तो जिसका स्टेटस होता है उसको पता चल जाता है कि आपने उसका स्टेटस देखा है। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम कोई स्टेटस लगाते हैं और हमारा मूड करता है इसे डिलीट कर दिया क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो जब हम उस स्टेटस को डिलीट कर देते हैं तो उसे कोई नहीं देख पाता। तो दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी का स्टेटस देख लें और उसको पता भी ना लगे कि हमने उसका स्टेटस देख लिया है, या कोई अगर अपना स्टेटस डिलीट करता है डालने के बाद तो क्या हम उसके डिलीट किए हुए स्टेटस को देख सकते हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप किसी का भी स्टेटस देख सकते हो और उसको पता भी नहीं लगेगा। और अगर बाय चांस वो कोई भी अपना स्टेटस डिलीट कर देता है तो आप उसके डिलीट किए हुए स्टेटस को भी आसानी से देख सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में इसी बारे में बताऊँगा। दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हो टेक राज चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है। वीडियो को पूरा देखोगे तो पूरा प्रोसेस जो है आसानी समझ में आ जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में FM व्हाट्सएप डाउनलोड करना है। इस ऐप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, क्या है कि जो भी नए नए फीचर आते हैं वो आपके जो व्हाट्सएप होता है जो लोग सब चलाते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, उसमें कोई फीचर नहीं आता है, वो सिंपल से व्हाट्सएप होता है। लेकिन ये जो व्हाट्सएप है व्हाट्सएप, इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे और इसका जो इंटरफेस है वो सेम व्हाट्सएप जैसा है, तो आपको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जब इसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे नॉर्मली सब व्हाट्सएप में आता है। तो आपको इसके बाद सबसे पहले जो 3 डॉट हैं उन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करके कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो जो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है फॉर्ड मोड्स का, आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, आपको उस पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं स्टेटस के नाम से, हाइड व्यू स्टेटस और एंटी डिलीटेड स्टेटस। तो दोस्तों, मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। हाइड व्यू स्टेटस, जब भी कोई इंसान अपने स्टेटस पे कोई स्टेटस लगाएगा, व्हाट्सएप के स्टेटस पे कोई स्टेटस लगाएगा, तो जब भी आप उसका स्टेटस देखोगे इसको ऑन करने के बाद, तो उसका स्टेटस देखने के बाद भी उसको पता नहीं लगेगा आपने उसका स्टेटस देख लिया है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि आप किसी का भी स्टेटस देख सकते हो और इंसान को बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपने उसका स्टेटस देख रखा है। ये दूसरा ऑप्शन है एंटी डिलीटेड स्टेटस। तो इसको ओपन करने से क्या होता है दोस्तों कि जब भी कोई बंदा अपने फ़ोन पे स्टेटस लगाता है और अगर किसी भी चांस से वो अपना स्टेटस डिलीट कर देता है कि उसको लगता है कि स्टेटस बेकार है डिलीट कर दो, तो जब वो डिलीट कर देगा तो वो आपके फ़ोन से डिलीट नहीं होगा। मतलब ये दोस्तों कि आप उसका डिलीट किया हुआ स्टेटस भी आसानी से देख सकते हो। सबके लिए वो डिलीट हो जाएगा लेकिन आपके लिए डिलीट नहीं होगा। आपके लिए वो डिलीट तभी होगा जब उसका टाइम होता है ऑटोमेटिकली हटने वाला, जब वो पूरा हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है और इसको भी देखने के बाद उस बंदे को पता नहीं लगेगा कि आपने उसके स्टेटस को देखा है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा फीचर है। तो इन दोनों को आपको यहाँ से ऑन करना है इस तरीके से, तब जो दोनों सेटिंग काम करेंगे आपके फ़ोन में। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में FM व्हाट्सएप डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी छोटी सी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट भी करें अगर कोई आपका कमेंट हो तो। और अगर आप मेरे चैनल बनाए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।